भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। और कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो जेल सुपरिंटेंडेंट उस चिट्ठी पे मोहर लगाकर उसको अटेस्ट कर देता है। सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हो, हम लोगों को सारे कानून पढ़वा दे रहे हो। मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे, 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया। आतिशी जी, कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा। मैंने तो DPR भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। और कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो जेल सुपरिंटेंडेंट उस चिट्ठी पे मोहर लगाकर उसको अटेस्ट कर देता है, अटेस्ट कर देता है। पढ़ लेना, सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हो, हम लोगों को सारे कानून पढ़वा दे रहे हो, सारे कानून पढ़वा दे रहे हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई, गलत तो नहीं कह रहा। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा, देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा। ये तुम्हारे बंदर घुड़की से डरेगा, ये तुम्हारी बंदर घुड़की से डरने वाला है। भाजपाइयों की बंदर घुड़की से कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है। लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे, कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है, सौरभ भाई बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि यह हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत विश्व शर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग।
मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशरिफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं। कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी का रहा था। आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया। वहां गए कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। मैं भाजपाइयों के लिए मैंने बोला, गोपाल भाई भाजपाइयों के लिए नारा बनाया, स्पेशली जेल में खाली थे, कुछ तो काम करना था। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। और भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।